केंद्र शासित प्रदेश दमण में नगर पालिका के 15 वार्डों में से 11 वार्डों पर भाजपा का भव्य विजय रहा था। तभी जिला पंचायत और ग्राम पंचायत में 5-5 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार विजेता बने थे। 8 नवंबर को दमण में नगर पालिका, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के एक साथ हुए मतदान के बाद बुधवार को मतगणना हुई थी, जिसमें सबसे पहले बात करें तो नगर पालिका की, तो पालिका की 15 सीटों में से 3 सीट पहले से ही भाजपा के खेमे में निर्विरोध जा चुकी थी, जिसके बाद बचे 12 वार्डों के लिए हुई मतगणना में 8 वार्डों के भाजपा प्रत्याशी विजेता हुए थे। पालिका के विजेता हुए उम्मीदवारों की सूची पर नजर करें तो कुल 15 वार्ड में से वार्ड नंबर 1, 12 और 15 की महिला सीट भाजपा के लिए निर्विरोध चुनकर आ चुकी थी, जिसके बाद वार्ड नंबर 2 में अपक्ष उम्मीदवार प्रमोद राणा ने कांग्रेस के सौरभ बार को 161 मत से हराया था। तभी इस वार्ड में से लड़ते आए भाजपा उम्मीदवार मारियो लोपेस की करारी हार हुई थी, जो तीसरे क्रम पर ही रह गए थे। वार्ड नंबर 3 में कांग्रेस की उम्मीदवार फिरदौस बानू ने भाजपा की जिगीशा वसंतलाल को 416 मतों से हराया था। वार्ड नंबर 4 में अपक्ष उम्मीदवार अशरार अली रजा माधव 131 मतों से विजेता हुए थे। इस सीट पर से लड़ते आशीष नटवरलाल पटेल को 187 मत ही मिले थे। वार्ड नंबर 5 में भाजपा के उम्मीदवार रश्मिका हलपति मंजू भगवान हलपति के सामने 9 मतों की सामान्य औसत से जीत हुई थी। वार्ड नंबर 6 में चंडोक जसविंदर कौर ने खलीफा कौसर बानू अहमद शरीफ को 685 मतों से कड़ी शिकस्त दी थी। वार्ड नंबर 7 में एसपी दमनिया ने सुरेश नारायण ओड़ को 97 मतों से हराया था। वार्ड नंबर 8 में चंद्रगिरी ईश्वर ने अपक्ष उम्मीदवार धर्मेश रामजी को 518 मतों से मात दी थी। वार्ड नंबर 9 में आशीष टंडेल ने अशोक हरीशभाई को 353 मतों से हराया था। वार्ड नंबर 10 में मुकेश पटेल को जतीन परसोत्तम टंडेल के सामने सिर्फ 45 मतों की सामान्य लीड मिली थी। वार्ड नंबर 11 में अपक्ष उम्मीदवार नैना टंडेल ने सेजल रजनीकांत को 99 मतों से हराया था। वार्ड नंबर 13 में भाजपा के विनय पटेल ने शीलू डेडाबाई पटेल को 95 मतों से हराया था। वार्ड नंबर 14 में सोहिनी रजनीकांत पटेल ने कपिला सुरेश ओड़ को 127 मतों से हराया था। तो दूसरी ओर ग्राम पंचायत की मतगणना में सबसे पहले बात करें तो पटलारा गांव की, तो यहां की महिला उम्मीदवार हंसाबेन चिमनबाई धोड़ी ने 382 मतों से अपनी प्रतिद्वंदी मयूरीबेन उत्तमबाई पटेल को हराया था। दूसरी ओर दमनवाड़ा में पत्रकारिता में से राजकारण में दाखिल हुए मुकेश गोसावी ने महेश नारायण पटेल को 435 मतों से हराया था। तभी सांसद के गांव ऐसे कचीगाम में दूसरी बार चुनाव लड़ रहे सरपंच पद के उम्मीदवार नागरभाई परागभाई पटेल का अपक्ष उम्मीदवार भरत छनुभाई पटेल के सामने 177 मतों से पराजय हुआ था। सोमनाथ से डायमंड के सिंबल पर लड़ रही चैतालीबेन महेश कामली ने हेमलता ईश्वर को 102 मतों से शिकस्त दी थी। सोमनाथ से करीब की आटियावाड़ ग्राम पंचायत में धर्मेश अर्जुन पटेल ने भारी खींचतान के बाद मात्र 5 मतों से गोविंद भाई बाबाभाई पटेल के सामने विजयी हुए थे। डाबेल में हिमांशी कनुभाई पटेल ने 752 मतों से प्रीतिबेन पटेल को हराया था। वरकुंड ग्राम पंचायत में किरीट कुमार मिटना ने नवीन चिमन को 385 मतों से मात दी थी। भारी उतार चढ़ाव वाली दुनेठा की सीट पर सविताबेन भरतभाई पटेल ने आशाबेन संजय को 72 मतों से हराया था। कड़ैया ग्राम पंचायत से दूसरी टर्म के लिए चुनाव लड़ रहे शंकरभाई खुशालभाई पटेल ने कमलेशभाई दलपतभाई पटेल को 135 मतों से हराया था। मरवड़ ग्राम पंचायत में प्रीतिबेन धनसुखभाई हलपति ने किंजल मुकेश हलपति को 389 मतों से हराया था। जिला पंचायत की बात करें तो दुनेठा ए सीट पर भाजपा से खड़े हुए आरएसएस कार्यकर्ता बाबू उर्फ विकास चिबाभाई पटेल ने अपक्ष उम्मीदवार ठाकुरभाई मिठ्ठलभाई पटेल को 586 मतों से हराया था। वहीं दुनेठा बी की सीट पर भाजपा की जागृतिबेन कल्पेशभाई पटेल ने रमेश चंद्र मोहनभाई पटेल को 568 मतों से हराया था। भीमपुर में भाजपा के उम्मीदवार उदय कुमार रमण भाई पटेल को योगेश भाई जगुभाई पटेल ने 186 मतों से मात दी थी। तभी वरकुंड में सदानंद मगनलाल मिटना ने प्रकाश रमन को 320 मतों से हराया था। डाबेल में भूपेंद्र बघुभाई पटेल ने शीतल गुलाब पटेल को 94 मतों से हराया था। परियारी में ईशुबेन राजेश भाई पटेल ने सुनीता मिटना को 536 मतों से मात दी थी। पटलारा में मेहुल केशव ने भाजपा के सतीश शांतिलाल को 1349 मतों की बड़ी मार्जिन से हार का रास्ता दिखाया था। कचीगाम के निमेश कांतिलाल को दिनेश फकीरभाई डोड़िया ने 561 मतों से हराया था। ऐसे में खुद सांसद के ही गांव में भाजपा के जिला और ग्राम पंचायत के दोनों उम्मीदवारों को करारी हार का सामना करना पड़ा था। मरवड़ में नवीन कुमार रमनलाल पटेल ने रमेश बाबूभाई पटेल को 258 मतों से हराया था। सोमनाथ ए सीट पर
रीनाबेन हरीशभाई पटेल ने श्वेताबेन शंकरभाई पटेल को 18 मतों की सामान्य औसत से मात दी थी। सोमनाथ 20 सीट पर से भाजपा की वर्षिकाबेन पीयूषभाई पटेल की जीत हुई थी। कुल मिलाकर इस चुनाव में जिला पंचायत में भाजपा के 5 और अपक्ष के 6 उम्मीदवारों की जीत हुई थी, तो ग्राम पंचायत में भाजपा समर्थित और अपक्ष के 5-5 उम्मीदवारों ने विजय का झंडा लहराया था। वोर्ड नंबर बेना तमाम भाइयों तथा बहनों हूँ अभिनंदन पाठू छू कि तमने मैंने हमने जंगी बहुमती थी विजय अपायो ये बदल तमनो खूब खूब आभार व्यक्त करूँ छू अने तमने आपेलो विश्वास ने हूँ सार्थक करीने बताईश एवं हूँ तमने वचन आपू छू अने कई पण मारा वोटना कर्पे कामकाज हशे ते लोको बे दरेक मारी पासे आवी शकशे अने हूँ ते जरूर पूरा करी आपवानुं मने वचन आपू छू। काम तो जे बाकी हशे जे वोर्डना बाकी हशे ए वोर्डना मैं करी आपीश बधा जे कई कई पण काम गटर रस्ता लाइट बाइट जे कई हशे लोकना जे कई काम सरकारी कामकाज बाकी हशे जे कई मारथी जेटलुं बनी शकशे ए बधुं पूरुं करी आपीश एमने एवुं वचन आपू छू मारा वोटदाताओने। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, खास करके मेरी दुर्नेटा की भोली भाली जनता ने जो मेरे पर विश्वास रखा है उसके लिए मैं आने वाले 5 साल के लिए उनके लिए हमेशा और 24 घंटे खड़ा रहने की मैं आशा व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। पार्टी जिसने मेरे को सिलेक्ट किया उनका नाम रूपेश भाई, जिन्होंने मेरे को सीट दी है, उनको श्रेय देना चाहती हूँ। और मैं अपने जो मेरे वार्ड वाले हैं सारे जो 19-20 पूरे कंसरवार बाबार छत्तावार ये सब जो है उनके लिए है। और मेरे फैमिली जो मेरे साथ में सपोर्टर करके खड़े रहे, मेरे फ्रेंड्स मेरे ग्रुप उनको सबसे, और मेरे बड़े भाई की तरह जो मेरे अनिल भाई हैं जो एक साथ साथी साथ रहे मेरे साथ पूरे सपोर्ट, उनको ज़्यादा श्रेय सबसे पहले इनको जाता है। मैं धन्यवाद दिल से करती हूँ, उन्होंने मेरे को बहुत आगे प्रोत्साहन किया और आगे मेरे को इतने जगह पे लाके मेरे उन्होंने महिलाओं के लिए, मतलब इस बार तो सिलेक्शन भी ज़्यादातर की जो सीट है वो महिलाओं के लिए जो सिलेक्ट हुई है। तो हम चाहते हैं कि आगे और भी हम अच्छा करें, जो महिलाओं को जो मिले जो उनका वो है उनके लिए वो कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, वो मैं कोशिश करूँगी। और सबके लिए जो मेरे वार्ड में जो है मेरे 19-20 के जो है मेरे जो है ग्रुप वाले जो वार्ड वाले उनको सबको मैं हो सके तो जितना मैं कर सकूँगी उतना मैं पूरी कोशिश करूँगी। आज ये वार्ड नंबर 8 में आज जीत थी थे, हमारा वार्ड नंबर 8 ना साथी मित्रों माता बहनों बधाई जीत है, रमन की जीत है, भारतीय जनता पार्टी ने विकास की जीत है। जे आज तब जो रहा है डीएमसी में कितना आ गया कम में विकास थू आनी जीत है, तो आना दिवस में भी भारतीय जनता पार्टी आज काम करते लोगों विकास में आगे बढ़े ने लोग ने साथ लेने चलते। मैं एक बार आप सबनों મારા વોર્ડના મિત્રો સાથી માતાઓનો બહુ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, તમારો મીડિયા કર્મીનો બહુ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ભારત માતા કી જય। ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 13 અને 14 મને જિમ્મેદારી આપેલી અને આજે મને અત્યંત ખુશી થાય છે કે અમારા બંને ઉમેદવાર સારા માર્જિનથી જીતા છે અને અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના આદેશ પ્રમાણે આગળ કામ કરશું। આભાર વ્યક્ત કરું છું કે અમને આટલી માર્જિનથી જીતાવ્યા, થેન્ક યુ વેરી મચ, જય હિન્દ જય દમણદીવ। આજની તારીખમાં મારી જો કડિયા પંચાયતની અંદર વિશ્વાસ વગેરે મારી જનતાએ મને જે વોટ કર્યા છે એ મારી જે જીત છે, મારી નથી મારી જનતાની જીત છે, અને મારે કડિયાની જનતાએ મારા પર વિશ્વાસ વગેરે આટલા વોટ આપીને મને જંગી બહુમતી વિજય બનાવ્યો એમનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। અને આવનાર દિવસમાં જો કામ અધુરાયેલા છે એ કામ મેં પૂરા કરી અને જનતાની માંગ પૂરી કરીશ। ધન્યવાદ, જય હિન્દ। का दिन हमारे दुरेठा पंचायत के लिए बहुत खुशनुमा रहा, हमारी दोनों जिला पंचायत सीटें विन रही और साथ में भारतीय समर्थित जो पैनल थी सरपंच की वो भी विन रही, और जो भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों पर जो विश्वास जताया और हम उस पर फिर उतरे उसके लिए हम सबका सभी गाँववासियों का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। मंडल अध्यक्ष के तौर पर खासी जिम्मेदारी थी, हमने काफ़ी मेहनत भी की उसमें, लेकिन जिस हिसाब से लोगों का प्रतिसाद मिल रहा था हमें यकीन था कि हम ये दोनों सीट और सरपंच की दोनों सीट हम निकाल के रहेंगे और रिजल्ट भी हम पॉजिटिव मिले। भारतीय जनता पार्टी विकास और सुरक्षा मुद्दे आ चूंटनी लड़ी रही है, आ चूंटनी में 5 स्थानीय स्वराज्य संस्था में 4 में भारतीय जनता पार्टी विजय थी चुको है। दीव में 8 जिला पंचायत में 5 जिला पंचायत पर भाजपा जीती चुकी है અને 4 સમર્થિત ગ્રામ પંચાયતમાંથી 3 ગ્રામ પંચાયતમાં, દમણ નગરપાલિકામાં 15માંથી 11 પર ભારતીય જનતા પાર્ટી વિજય થઈ ચૂક્યું છે। જિલ્લા પંચાયતની ગણતરી ચાલુ છે, પરંતુ 16માંથી 10માં અત્યારે વિજય પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યો છે અને ગ્રામ પંચાયત 14માંથી 9 પર વિજય પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યો છે।
એવી રીતે સેલવાસ નગરપાલિકામાં બી 15માંથી 9 પર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય થઈ રહ્યો છે. આમ 5 સ્થાનીય સ્વરાજની ચૂંટણીઓમાં 4 પર ભારતીય જનતા પાર્ટી વિજય બની ચૂકી છે અને આ વિજય બનાવવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જનતાની વચ્ચે વિકાસ અને સુરક્ષાનો મુદ્દો રાખ્યો હતો. એટલે અમે જનતાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે જે તમે અમારો વિકાસ જોયો અને ભવિષ્યમાં અમે આ જ પ્રમાણે વિકાસ અને સુરક્ષાનો અવિરત કાર્ય ચાલુ રાખીશું. સૌપ્રથમ આજે જે અમારી ભાજપની જીત છે એ ખરેખર એના શ્રેય પૂરાપૂરા અહીંયાની જનતાને જાય છે, દમણની જનતાને જાય છે અને વિકાસને જાય છે. જે મોદીજીનું સપનું હતું કે મહિલા સશક્તિકરણનું જે એક સપનું હતું અને વન નેશન વન ઇલેક્શન, એ દમણથી ઐતિહાસિક શરૂઆત કરી છે અમે. અને દમણના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર 33% સમરસ સીટો આવી છે, એ પણ એક ઐતિહાસિક ઇતિહાસ છે દમણમાં. અને આવનાર દિવસોમાં પણ દમણનો વિકાસ અમે એવી રીતના જારી રાખશું. અને આ જે ચુનાવને પૂરા શ્રેય છે એ દીપેશ અમારા દેશના પ્રભારી શ્રી રઘુનાથ કુલકર્ણીજી, તેમજ અમારા સંગઠન મંત્રી વિવેકજી, તેમજ અમારા પ્રદેશના અધ્યક્ષ શ્રી દીપેશ ટંડેલજી એમના અધ્યક્ષતામાં લડવામાં આવ્યું છે. અને અમને આવનાર દિવસોમાં અમને પૂરા વિશ્વાસ છે કે દમણના જનતા જેવી રીતના મેં વિકાસ કર્યું છે અને આવનાર દિવસોમાં વિકાસ કરીશું અને દમણ અને દીવની જનતા સાથે અમારા વિકાસ સાથે રહીને સાથે વિકાસના કાર્ય કરશું એવી આશા રાખું છું.